अगर आप गुलबर्गा शहर में अपना खुद का फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए शहर के हागरगर और बिसाइड टोटल गैस एजेंसी परवेज मुबारक कॉम्प्लेक्स में ए टू जेड लाइव स्टॉक और पोल्ट्री कंसल्टिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन सीनियर सोशल एक्टिविस्ट जनाब इम्तियाज सिद्दीकी के हाथों किया गया है। अजहर मुबारक, मोहम्मद जहीर और आसिफ पगड़ीवाला ने मिलकर गुलबर्गा शहर में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। फार्मिंग बिजनेस के लिए आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल ट्रेनिंग और दीगर फैसिलिटीज दी जाएगी, और अगर आप डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको यहां अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, और खासकर जवारी मुर्गी के अंडे होलसेल प्राइस में यहां आप खरीद सकते हैं। ए टू जेड कंसल्टिंग के जरिए आपको पोल्ट्री फार्मिंग फैसिलिटी के साथ जानवर बेचने से लेकर खरीदने में सपोर्ट किया जाएगा। इस इनोग्रेशन के मौके पर इम्तियाज सिद्दीकी के अलावा जावेद हुसैन, अजीम शेख, करीम लाला, सिराज शाब्दी, इंजीनियर अजहर, फिरोज खान और निजाम मराठवाला और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। सभी लोगों ने ए टू जेड लाइव स्टॉक और पोल्ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर अजहर मुबारक, मोहम्मद जहीर और आसिफ पगड़ीवाला को मुबारकबाद पेश की है। ए टू जेड लाइव स्टॉक और पोल्ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप टोटल गैस के बाजू मौजूद ए टू जेड के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पहले मैं आसिफ पगड़ीवाला साहब और जनाब अजहर मुबारक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने आज गुलबर्गा में एक न्यू कॉन्सेप्ट से एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर और मुख्तलिफ जिस तरीके के फार्मिंग होते हैं, इस फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से आज उन्होंने ये स्टार्ट किया है ए टू जेड लाइव स्टॉक का कंसल्टेंसी, जहाँ पे हर वैरायटी के पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके लिए सर्विसेज जो रहेंगे, वेटरनरी सर्विसेज जो रहेंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है जो कैटल फार्मिंग करेंगे, गोट फार्मिंग, शिप फार्मिंग जो करेंगे, ये लोगों के लिए भी जो फैसिलिटीज़ होना है, जो ट्रेनिंग्स होना है उनके लिए, और जिस तरीके से उसको मार्केटिंग कैसे की जाए उसके लिए, साथ में ये लोगों का और एक जो कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा, ये बाईबैक पॉलिसी के साथ कर रहे हैं। ये बड़े कंपनियों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसानों को, एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो है चिक्स प्रोवाइड करते हैं या बकरियों के बच्चे वगैरह प्रोवाइड करते हैं करके जो है ना बाईबैक पॉलिसी पे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गुलबर्गा में अपने आप में एक नया है, और इससे बेहतर इस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो गुलबर्गा में जो यंगस्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं या और ऑलरेडी जो फार्मिंग में हैं जिनको सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर, मैं खुद बाहिसियत किसान सभा लीडर, मैं तकरीबन डिस्ट्रिक्ट का दौरा करता हूँ, तो ये अक्सर देखने में आता है कि डेयरी फार्मर्स के अपने इश्यूज़ हैं, उनको कोई सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते हैं। उसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कई फार्मर्स करना चाहते हैं, कई यंगस्टर्स मैं गुलबर्गा में देखता हूँ, अक्सर मेरी बात होती रहती है, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो शौक से अपने पास फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे शिप फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या उनके लिए मेडिसिनल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कभी कैटल्स में कि उससे नुकसान हो सकता है किसानों को या फार्मिंग करने वालों, तो ये नुकसान से बचाने के लिए भी किसानों को जो ये पहल की गई है ए टू जेड लाइव स्टॉक कंसल्टेंसी से, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोबारा जनाब आसिफ साहब को, जनाब अजहर मुबारक साहब को, कि ये सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है। और जहाँ तक गुलबर्गा का है, गुलबर्गा की हम बात करें लोकली, यहाँ पे करीब 2.5 से 3 लाख लीटर बाहर से आता है दूध। और क्यों आता है? कि यहाँ पे प्रोडक्शन की कमी है। यहाँ पे करीब 2 लाख से 3 लाख के बीच एग्स आते हैं गुलबर्गा को बाहर से। क्यों आता है? यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। इसी तरह शिप गोट्स जो है बाहर से आते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी फार्मिंग के लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से जो होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह डेयरी फार्मिंग के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यंगस्टर्स का ये इनिशिएटिव लेके ये काम करना गुलबर्गा में एक अपने आप में एक अच्छी सी पहल है, और साथ ही साथ एक फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रमोट करने के खातिर ऑर्गेनिक फूड्स कैसे रहें, वो कॉन्सेप्ट से भी जो ये लोगों ने काम स्टार्ट किया है, ये काफ़ी मुबारकबाद के काबिल है। और साथ ही साथ मैं एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के जानिब से और किसान सभा की जानिब से
मैं मेरे साथियों को, दोनों को, आसिफ पगड़ीवाला साहब को और जनाब अजहर साहब को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके सर्विसेज से गुलबर्गा के जो शौक रखने वाले लोग हैं, जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, इस एग्रीकल्चर सेक्टर से लाइव स्टॉक इकोनॉमी में जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमी है लाइव स्टॉक इकोनॉमी इंडिया का, इसका हिस्सा जो बनना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करे हैं ये दोनों लोग यहाँ पर मिलकर। इनका ऑफिस आगरगा रोड पर सपना फंक्शन हॉल के अपोजिट में, थोड़ा सा आगे आने के बाद जो सभा फंक्शन हॉल है उसके अपोजिट में है। तो जो कोई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं फार्मिंग में, विच एवर टाइप ऑफ फार्मिंग दे वॉन्ट टू डू, बीट पोल्ट्री फार्मिंग, बीट कैटल फार्मिंग, बीट डेयरी फार्मिंग, ये सारे फार्मिंग के लिए इससे बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले अभी तक गुलबर्गा में इतने एजुकेटेड लोग मैं नहीं देखा हूँ। बाहिसियत किसान सभा लीडर बोल रहा हूँ मैं बाज़ाब्ता ये आपको कि ये बेहतरीन मौका है। जो कोई फार्मिंग करना चाह रहे हैं इनसे रब्ता करें, आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस होगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, चिक्स मिलेंगे उसके, और आप घरों के लिए अपने एग्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, शॉप्स के लिए लेना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, टू जेड कंसल्टेंसी लाइफ स्टॉक, जनाब अजहर मुबारक साहब और आसिफ साहब, ये तमाम लोगों को मेरी दिल की गहराई उनसे मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ में इतनी तफसील से एक किसानों के लीडर ने, इतना तफसील मेरे भाई है, उन्होंने इतना तफसील बताया कि शायद मैं ये जानता हूँ कि हम जो भी आए हुए हैं जो सुनेंगे, इतना तफसील उन्हें नहीं पता था। इस वजह से मैं अपने आप को सिमेटते हुए इन दोनों शख्सों को, दो तीन उनके तमाम लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। इंशाल्लाह ये एक दुआ भी है मेरी, अल्लाह इनको इस हलाल के कारोबार में कामयाबी दे, अल्लाह इनको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे, क्योंकि यहाँ पे एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, साइकिल की खोला तो साइकिल की खोरा, दही खोला दही की खोरा, ये लोग एक ऐसी चीज़ लाए हैं उनसे तसव्वुर भी नहीं करना कि बाद में दुकान खोलने की। वाकई इससे शहर के नौजवानों को, किसानों को, मेरे हमारे जाहिद भाई से भी उम्मीद है कि वो अपने किसान सभाओं में भी यहाँ का जिक्र करेंगे, इनके रिस्क हलाल में ये सहूलत देंगे, लोगों को यहाँ भिजाएंगे। इंशाल्लाह हर इंसान को कोशिश करना चाहिए रिस्क हलाल की तरफ। आप ये इनका ये लाए मुर्गी, गाय, बकरी, ये उनके लिए नहीं, वो अपने रिस्क हलाल की तरफ आए। वैसे तो बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं, वो काम करने की जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से क्या हो सकता है वो जावेद भाई खुद कोशिश करेंगे, इनके क्या सहूलत पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ के लीडर तो नाकारा हैं, वो नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए मैं ये सोचा कि एक ऐसा शख्स, किसान और मस्जिद का इमाम, मौत तक सिर्फ समझाते ही रह जाते हैं। किसान के लिए जो लीडर होता है उसकी मौत तक उन किसान को समझाता ही रहता है कि भाई तू किसान ये करा तो तेरे को फ़ायदा है, वो करा तो फ़ायदा है। तमाम मुसलमान मस्जिद को जाते हैं, फिर हर जुमा को इमाम समझाता ही रहता है कि भाई तो हर जुमा को नमाज पढ़ना ज़रूरी है, तो रोज़ा रखना ज़रूरी है। इसी तरह किसान और इमाम की ज़िंदगी खिदमत में चली जाती है। अब दूसरा नंबर पे ये किसानों की खिदमत करने के लिए ये लोग आ गया है, अल्लाह इनको कामयाबी दे, अल्लाह इनको हिम्मत दे, हम सबको इनके लिए दुआ करने वाला बनाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं अजहर मुबारक को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि गुलबर्गे के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, जो लोग जानवरों को लेकर परेशान होते थे बीमारी के ताल्लुक से या उनकी ब्रीडिंग के ताल्लुक से, पालने के ताल्लुक से, तो आज मेरे भाई गुलबर्गा शहर में जो जानवर पालने के शौकीन हजरात हैं उनके लिए जो है बहुत बेहतरीन जो है ना सपोर्ट बनकर जो है ना अजहर मुबारक और आसिफ भाई जो है ना, दोनों ये दो शख्सियत जो है ना मिलकर गुलबर्गे के अंदर आए हैं। तो आप लोग जो भी शौकीन हजरात हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं या किस तरीके से जो है ना जानवर पालना चाह रहे हैं, वो अजहर मुबारक को, आसिफ भाई को कांटेक्ट करें, कांटेक्ट कर जो है ना उससे तजुर्बा हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, यानी तो जो भी फार्म हाउस डालना चाह रहे या पोल्ट्री फार्म डालना चाह रहे वो लोग जो है ना अजहर मुबारक से कांटेक्ट कर अपना इल्म में जो है ना इजाफा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आज हागरगा रोड पर मिलन फंक्शन हॉल से थोड़ा आगे परवेज मुबारक कॉम्प्लेक्स में लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री कंसल्टिंग की आज इनाग्रेशन हुई, इफ्तिताह हुई। इस मौके पर मैं जनाब अजहर मुबारक साहब को, मोहम्मद जहीर साहब को,
आसिफ पगड़ी वाले तमाम तीनों पार्टनर्स को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और गुलबर्गा के तमाम शहरियाने गुलबर्गा के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको हर किस्म की ब्रीड यहां पर मिलेगी। जैसे कि गुलबर्गा में अब ट्रेन चल रहा है, फार्म हाउस जगह जगह बन रहे हैं, हम सिटी से दूर जाके टेम वक्त गुजारने के ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह हमारा भी बहुत जल्द एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में आने वाला है। तो वहाँ पर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप बकरी पालें, गायें पालें, मुर्गी पालें, ब्रीड हर नमूने की, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती कि किस किस्म की बकरी लें, क्या उस्मानियाबादी बकरी लें या हैदराबादी लें या सोजाल लें, इस नमूने की किस बकरी को आप पालें, आपका पर्पस या मीट पर्पस है या मिल्क पर्पस है, तो आपको ये लोग गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कौन सी बकरी पालेंगे तो आपको क्या उसके बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे बीच आती है, उन्हें बीमारी लगती है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस दायरे में उन्हें बनाकर पाला जाए, क्या उनको खिलाया जाए, क्या उनको पिलाया जाए, इस तरीके के तमाम आपके सवालों के जवाब ए टू जेड यहाँ पर आपको कंसल्टेंसी में मिलेंगे। ये लोग आपको गाइड करेंगे, यहाँ पे जवारी मुर्गी भी मिलेंगी, और ख़ास तौर पे जो जवारी अंडे होते हैं, मैं फिटनेस फील्ड से जुड़े हुआ हूँ, हाइब्रिड से ज़्यादा जो है ना जवारी अंडों का बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो वो ओरिजिनल यहाँ पे आपको एग्स भी मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर आकर अचीव कर सकते हैं, इनसे मिलकर एग भी ले सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो ख्वाहिशमंद है इस तरीके के मुर्गी पालने के, बकरी पालने के, वो लोग आए विज़िट करें, क्योंकि बकरी पालना मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम ख्वाहिशमंद हैं कि बकरी पालें, पर हमें नॉलेज नहीं होता है। हम दो चार बकरियां कहीं से भी बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं या कोई कुत्ते काट लेते हैं या कुछ भी होता है, हमें नुकसान होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त घरों में भी बकरी पाले हैं। तो आप लोग अगर किसी इस तरीके की फार्मिंग भी अगर आप करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पे अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, आपकी जगह है, आपके खेत हैं, खुली जगह है, उसमें शेड मार के आप अगर बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो ज़हीर भाई, अज़हर भाई आपको गाइड करेंगे। आप लोग एक बार यहाँ पे मेरे दिल की अमीक गहराइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग एक बार यहाँ पे अगर विज़िट करें। मैं फिर एक बार आप तमाम पार्टनर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि अल्लाह आपके कारोबार में खैर व बरकत अता करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गे के लिए बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए कि आज जो है ना गुलबर्गे में एक नया कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है, जो इसके अंदर आवाम की अच्छी सी, इसके अंदर जो है ना आमदनी का ज़रिया, और लोगों में जो है ना अवेयरनेस, और आज की चलन की जो चीज़ है उसके लिए जो है ना ये ए टू जेड पोल्ट्री कंसल्टेंसी जो ओपन हुआ है, मैं दोनों हजरात जिन्होंने इसकी ओपनिंग की है गुलबर्गे में, मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा। अज़हर मुबारक साहब और हमारे आसिफ पगड़ी वाले साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और इसी तरीके से गुलबर्गे की आवाम को ये कहना चाहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर जो शुरू हुआ है, ये हमेशा जो है ना हम लोग यहाँ से दूर दूर जाके जो है ना इसका ट्रेनिंग लेके आना पड़ता था, आज ये गुलबर्गे में आपके घर के पास ये आया है, तो इसका सही फ़ायदा उठा के इसका जो है ना सही अगर आवाम में अगर ये जाएगा तो हमारे पास रोज़गार के जो है ना अवसर, यानी आसानी से हमें जो है ना रोज़गार मिलेगा। आज हमारे पास जो है ना रोज़गार के लिए लोग जो है ना दूर 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 जाके रोज़गार के लिए तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये जो रोज़गार है आपको जो है ना 30x40 के प्लॉट में कोई भी बच्चा जो है ना एक 50,000 के अंदर जो है ना एक कार्रवाई शुरू कर सकता, जिसकी जो है ना अच्छी खासी आमदनी होती, और ये रोज़गार जो है ना अगर हमारे गुलबर्गे की आवाम को, गुलबर्गे के लोगों को अगर मिलेगा तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं और एक बार गुलबर्गे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये दो हजरत जिन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इनका आप लोग साथ दीजिए, और इनकी जो है ना काम में आप शाना बशाना इनकी मदद कीजिए, इसी तरीके से आपकी मदद भी होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर हागरगा रोड पे आए हुए हैं, हमारे ज़हीर साहब और अज़हर मुबारक और आसिफ साहब यहाँ पर एक कंसल्टेंट, जो गोट पोल्ट्री कंसल्टेंट का एक ऑफिस ओपन करे सो है, उसकी इफ्तिताह थी, आज इनॉग्रेशन था, जहाँ पे हम तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है, तो हम दिल की गहराई से इन सबको मुबारकबाद देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गुलबर्गा में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसा कंसल्टेंट, पोल्ट्री कंसल्टेंट यहाँ पर आए हुए हैं गुलबर्गा में, जिसकी बेसिक नेसेसिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। गुलबर्गा में कई सारे लोग यहाँ पर मैं देखा हूँ, गुलबर्गा में कई सारे लोग फार्मिंग में बहुत दिलचस्पी रखते हैं,
गोट फार्मिंग में और मुर्गियाँ का एक पोल्ट्री फार्मिंग में, बट उनको गाइड करने वाले कोई भी नहीं थे। मेरे घर से भी मेरा छोटा भाई है जो हमेशा बाहर कंसल्टेंट्स को कॉल करके गाइड लेता था, तो उसकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा के आवाम को यह बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत एक मौका है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को और डेवलप कर सकते हैं इनके कंसल्टेंट के थ्रू। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर विज़िट कीजिए। होलसेल में एग्स भी है, जवारी जो हाइब्रिड जवारी अंडे बोलते हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली जो फार्मिंग लवर्स है, जिसको ख्वाहिश है वैसे लोग आना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे आसिफ साहब पगड़ीवाला को और अजहर मुबारक साहब को, जिन्होंने शहर गुलबर्गा में एक इतना बेहतरीन तरीके से एक नया जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है ए टू जेड लाइफ स्टॉक के नाम से, मैं इन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और यहां के जो गुलबर्गा के जो नौजवान हैं, गुलबर्गा ही नहीं बल्कि गुलबर्गा शरीफ के आतराफ आकनाफ के जितने भी जो फार्मर्स हैं, जो ख्वाहिश करते हैं कि मैं कुछ फार्मिंग करूँ, मैं कुछ जो है बिज़नेस करूँ, तो ये जो लोग अभी ये जो कॉन्सेप्ट लाने से पहले जो लोग उस बिज़नेस की तरफ जो जा रहे थे कि उसमें जो है उनको लाइफ स्टॉक की वजह से जो है उनको नुकसान जो है मतलब उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि वो लोग अपना जो है फॉर्म जो है मतलब खुद डाल सकते हैं और बाज़ाब्ता उसके अंदर आप जिस तरीके से जो फूड वगैरह का जो इस्तेमाल जो करना है हमको, कि जैसा कि मतलब हमको लाइफ स्टॉक के लिए जो है चिक्स लेना है, मतलब चिक्स लेंगे और वो 3 महीने के बाद वो आप जो है इनको बायबैक के सिस्टम में जो है आप उनको रिटर्न भी करना है, यानी आप जो है इसका आपका फॉर्म भी मतलब इसमें रन हो रहा है और आपके जो है इसके अंदर इनकम भी रन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मेरा नाम अजहर मुबारक है और हम ये जो लाइव स्टॉक पोल्ट्री कंसल्टेंसी स्टार्ट करे हैं, ये हमारा स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम लोग गुलबर्गा के फार्मर्स के साथ जुड़कर काम करें और हमारे पास हर तरीके की जो है ना ब्रीड अवेलेबल है और हमारा हैचरियों से भी टाई अप है और डेयरी फार्म से भी टाई अप है। आप लोग हमारे से जुड़कर हमारे से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और जो ये जो बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, जो भी है आपकी जो ख्वाहिश है, अगर आप पालना चाह रहे हैं तो हमारे से जुड़कर हमारे साथ काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर? प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जैसे कि मुर्गी है, गिरी राजा है, जवारी मुर्गी है, बॉयलर है और बकरियों में जो है ना सुजत है और बर्बरी है और हैदराबादी है, उस्मानाबादी है, ये सब ब्रीड हमारे पास मिलेंगे हैं। आप हमारे से कांटेक्ट करके मिनिमम 10 से 10 बकरी एक बकरे के हिसाब से आप हमारे से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जहीर हैं और मेरे आसिफ भाई मेरे दोस्त हैं, जो हम 3 मिलकर जो है ना स्टार्ट करें हैं। और एड्रेस जो है हागर का क्रॉस से थोड़ा एक 600 मीटर की दूरी पर है, ये एक टोटल गैस है, उसके बाजू है हमारा ये परवेज़ मुबारक कॉम्प्लेक्स में, शॉप नंबर 2 पे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ पगड़ीवाल है, जो कि मैं वाड़ी का रहवासी हूँ। आज जो हम कॉन्सेप्ट लाए हैं हमारे दोस्त अजहर मुबारक साहब और हमारे दोस्त जहीर भाई के साथ, ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं ये जो कि यूनिक का और पहला कॉन्सेप्ट है। इससे पहले यह कॉन्सेप्ट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, जो हमके आज इसके ओपनिंग है, इफ्तिताह है आज। कॉन्सेप्ट में हमारे जो है ए टू जेड लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री कंसल्टिंग एंड ट्रेडिंग, ये इंक्लूड है। ट्रेडिंग भी है हमारे पास, कंसल्टिंग भी है। ये इसलिए रखे हम ए टू जेड जो है हमारा ये इसका नाम, शॉप का नाम या ऑफिस का नाम, हम जो है यहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है, इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बहुत से फार्मर जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से बेरोजगार भाई हैं जो कि करना चाहते हैं, उनके पास स्पेस है, पैसा है, लेकिन नहीं कर रहे। किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं रहने, और बहुत से फार्मर फेल भी हुए सो इससे कि आज जो है फार्मर वो भी बंद हो गए। सो बंद होने का रीज़न क्या है? उनको सपोर्ट नहीं है किसका भी। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सामने वाले को हम खाली चिक्स दे के उसको छोड़ रहे हैं, गाय दे के उसको छोड़ रहे हैं और बकरे दे के उसको छोड़ रहे हैं। उसको लाने से लेके उसका उसके डिजीज़ जो भी आते हैं डिजीज़ को भी हैंडल करेंगे और उसकी मार्केटिंग में भी हेल्प करेंगे। अगर कुछ भी उसको प्रॉब्लम रहेंगे तो हम पूरा रहना उसका उसके बजट के हिसाब से उसके अपना, जैसा कि आप देखो एग्जांपल गुलबर्गा के अंदर 40 से 50 हज़ार बॉयलर जाता, जो कि गुलबर्गा में इतना बड़ा गुलबर्गा है, इतने नौजवान बेरोजगार है, जबकि सबके पास स्पेस भी है, पैसा भी है, लेकिन नहीं कर रहे। किस लिए नहीं कर रहे?
मालूम नहीं है उनको। 40 से 50 हज़ार इतनी बड़ी मार्केट है गुलबर्गा के अंदर, डेली की मार्केट बता रहा हूँ मैं। 1.5 से 2 लाख लीटर दूध जाता है गुलबर्गा में, जो कि पूरा महाराष्ट्र से आता। ब्रॉयलर चिकन भी महाराष्ट्र आंध्रा से आता। और 400 से 500 बकरे बिकते गुलबर्गा के, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 400 से 500 बकरे बिकते, वो भी पूरे बाहर से आते तकरीबन। और मुर्गियाँ जो है देसी मुर्गियाँ हैं, सोनाली, वो जो भी ब्रीड है अदर ब्रीड, वो 1000 से 1200 बिकते हैं डेली, ये भी बाहर से आता। जबकि गुलबर्गा की मार्केट इतनी बड़ी है और नौजवान भी बेरोजगार है यहाँ पे, लेकिन किस लिए नहीं कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आज जो हम पिछले 6-7 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, और ऐसा नहीं कि भाई ऑलरेडी मेरे साथ 300-400 जने जुड़े हुए हैं, जो कि 70-80 जने मेरे साथ आज ऑलरेडी फिलहाल काम कर रहे हैं, जिसको मैं चिक्स दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हम लाने का मकसद ही चाहिए है कि भाई इसमें बहुत जने की हेल्प भी होती और हमारा भी चलता। कॉन्सेप्ट अलग अलग है पूरे के, हम इंशाल्लाह उसको पूरा डिटेल में बताएंगे और उसको पूरा सपोर्ट भी करेंगे, उसको साथ में लाके देना। अब देखो गुलबर्गा के अंदर दुकान है, शॉप है, लेकिन दे रहे सपोर्ट नहीं कर रहे, माल बेचने नहीं आ रहा सामने वाले को। हम जो है माल देंगे भी उसको और उसके डिजीज़ में भी हेल्प करेंगे, डिजीज़ आई तो उसके अंदर खुदा ना करे, अगर डिजीज़ आई तो उसमें भी हेल्प करेंगे, और दूसरा क्या है उसका माल भी बेच के देंगे अगर उसको प्रॉब्लम आ रही तो। क्यों, मार्केट बड़ी है, मार्केट में बेचने का हमारे को मालूम है। हमारे साथ क्या है, बड़े बड़े डीलर्स भी जुड़े हुए हैं, जो माल उठाते हैं हमारे, वो जुड़े से ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, ऑलरेडी जुड़े से है मेरे को। फार्मिंग लेन में जितने भी है तकरीबन लोग पहचानते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के। ये कॉन्सेप्ट लाने का मकसद यही है कि बहुत से नौजवानों का इसमें अच्छा होता है।